गाइस सेट संकल्प तैयार। होपफुली आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे 2023 के, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2023 के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर भी आप एक बहुत अच्छा स्कूल ला रहे हो और एक अच्छा परसेंटाइल ला रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं NITs के बारे में कि क्यों NITs 2023 में लेना थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होने वाला है एज कम्पेयर टू 2022 के। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि 2023 का पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी साइड पे देखा गया है एज कम्पेयर टू 2022 के, इसी वजह से जो हमें NIT मिल रही होगी वो थोड़ी सी ज्यादा रैंक पे मिल रही होगी, थोड़े से ज्यादा मार्क्स पे मिल रही होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ का आपको कितना क्राइटेरिया रखना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपको CSC ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 200 प्लस तो लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत के अंदर। अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आप इसमें 10 से 20 नंबर कम कर सकते हो। अगर आप EWS कैटेगरी के हो तो भी आप इतने ही कम नंबर पे चल सकते हो, मतलब 20 नंबर कम करके चल सकते हो। अगर हम बात करें SC या ST कैंडिडेट की तो वो 30 से 40 नंबर कम करके चले, मतलब 40 नंबर कम करके चले 155-160 के स्कोर पे उसको CSC ब्रांच मिल रही होगी एक टॉप 10 NITs के अंदर। अब हम बात करते हैं EC ब्रांच की, क्योंकि ईसी भी एक बढ़िया ब्रांच है। ईसी ब्रांच एक जनरल वाले बच्चे को 180 के स्कोर पे मिल रही होगी। अगर हम बात करें हमारे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की तो उसे उससे 20 नंबर कम पे मिल रही होगी। तो एक ईसीई ब्रांच ओबीसी वाले बच्चे को 160 नंबर पे मिल रही होगी। अगर हम बात करें एससी या एसटी वाले बच्चे की तो उसे 130-140 नंबर पे ही ईसीई ब्रांच टॉप 5 NITs के अंदर मिल रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्यों 2023 का जो हमारे को NIT मिलने वाली है वो थोड़ी सी ज्यादा मार्क्स में मिलने वाली है और ज्यादा रैंक पे मिलने वाली है। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव और लॉजिकल वीडियोस मिलती रहती हैं NTA और JEE के बारे में। थैंक यू।